hello students a pleasant morning to all uh, students in my previous videos i have explained you chapter 7 and uh, there are some exercises in the book so you have completed uh, some exercises and there are two more exercises and i am going to explain uh, and after that i will tell you the word meanings and question answer and you will complete uh, these question answer and word meaning in your notebook so, in this exercise, rules for doubling consonants look at the words given below, add E D and I N G to the words and write them in the table one has been done for you. First number is done for you in second number dance. D A N C E D dance second form and D A N C -E I N G dancing I N G form. B A K E bake, B A K E D baked and B A K -E I N G baking. SAVE save, SAVED saved, SAVING saving. In the same way, you will do uh, exercise number two complete the table. Drag, DRA dragged. dragged. -T -T -E -D, e -D, PA double The first form of PATTED is P -A -T PAT pad, and ING form is -T -T PA double TING FAN, second form FA एंड एफ ए डबल एंड आई एन जी फैनिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट इफ़ देर इज़ वावल बिफोर लास्ट लेटर किसी भी वर्ड में अगर लास्ट लेटर से पहले वॉवल है तो जब हम उसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करते हैं या आई एन जी फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें जो लास्ट लेटर होता है कॉन्सोनेंट उसको हम डबल कर देते हैं जैसे ड्रैग है तो डी आर ए डबल जी ई डी ए कंसोनेंट एक वॉवल है एंड इसी तरह से पी ए टी पैट में टी से पहले ए वावल आया है एफ एन फैन में एन से पहले ए वावल आया है एफ ए डबल एन ई डी फैन एंड एफ ए डबल ए एन जी फैनिंग डिपिंग डिपिंग का जो औरिजिनल uh, फॉर्म होगा वो है डी आई पी एंड सेकेंड फॉर्म डी आई डबल पी ई डी आई इज़ ऑल्सो वॉवल एंड लास्ट ग्रैब्ड जी आर ए डबल बी ई डी तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो होगा जी आर ए बी एंड आई एन जी फॉर्म होगा जी आर ए डबल बी आई एन जी तो इन दिस वे यू विल कम्प्लीट योर दिस टू एक्सरसाइजेज इन योर बुक एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द वर्ड मीनिंग एंडकाउंटर अनएक्सपेक्टेड मीटिंग मतलब जो सोची ना हो एनगे एंगेज वर्किंग ऑन समथिंग किसी चीज़ में वर्क करना माइल यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस दूरी नापने का एक यूनिट ब्रीडिंग मेकिंग यंग वंस एग्रेसिव ऑलवेज रेडी टू फाइट एग्रेसिव होता है हाइपर uh, नेचर का जैसे जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता हो प्रोवोकेशन समथिंग दैट मेक्स वन एंग्री कुछ ऐसा कर देना कि दूसरे को गुस्सा आ जाए हेयर अ रेबिड लाइक एनिमल पैशन फेवरेट थिंग किसी चीज को करने की एक जुनून होना डार्टिंग मूविंग सडनली एंड क्विकली अचानक से घूम जाना तेजी से एमर्ज कम आउट थिकेट अ ग्रुप ऑफ बुशेस, झाड़ियों का एक समूह यार्ड अ यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस डिस्टेंस को मेजर करने की एक और यूनिट इरेक्ट स्ट्रेट डिफेंड प्रोटेक्ट क्लम्प अ स्मॉल ग्रुप क्लोज टुगेदर

आपको क्या लगता है कि ग्रैंड का डॉग वापस क्यों आया था ग्रैंड पाज डॉग रिटर्न टू प्रोटेक्ट हिज ऑनर वो अपने ऑनर को यानी ग्रैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था वाई डू यू थिंक द बिग मेल बर्ड अटैक्ड ग्रैंड आपको क्या लगता है आप क्या सोचते हो कि बिग मेल बर्ड ने ग्रैंड पे अटैक क्यों किया था द बिग मेल बर्ड लिसेंड द डॉग्स बार्क और ग्रैंड पा शाउटिंग उस बिग मेल बर्ड ने ग्रैंड uh, पा की तेज़ आवाज़ को या डॉगी की शॉटिंग बार्किंग uh, को सुन लिया था और इसी वजह से उसने ग्रैंडपा पर अटैक किया था सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर दिस दिस वर्क इन योर नोटबुक एंड बुक एंड इन दिस वे योर चैप्टर विल कंप्लीट एंड आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू एंड हैव अस डे